सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। पहाड़ के धूप लगती हसीन वादियों से मेरे गांव का नाम बुलुणी है, जो कि मेरे पीछे और गाइस अभी मेरे साथ है परदीप भाई। और हम लोग आ रहे हैं आज लकड़ी काटने से, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है ना, तो शादियों के लिए लकड़ियाँ काटने ले जा रखे थे। और जब शादी होती है उसके 3 महीने पहले लकड़ियाँ काटने स्टार्ट हो जाते हैं। अरे भाई, क्या बोलना चाहते हो? मैं क्या बोलूँगा यार भाई, बोल दो यार। और यहाँ पे सभी भाई लोग थे और आधे आगे चले गए, जिनकी हम लकड़ी फाड़ने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने हमें हमारे लिए वहाँ चावल और दाल बना रखी है। तो टाइम अभी 2 बज गए, तो हमने वहाँ उनके घर जाना आज खाना खाने के लिए। तो ऐसे कुछ रिवाज होते हैं कि उनका काम करो और खाना उनके घर होता है, तो आज उनके घर खाएंगे हम खाना। तो हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव के टैंक के सामने और यहाँ पे हम पानी वानी पियेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधा खाना खाने के लिए। ये जो गाय जा रहे हैं घर की तरफ, ये सार में करके थे चरने के लिए, और अभी 2 बज गए, अब घर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे देख रहे होंगे आपको, यार के यहाँ बकरी चराने के लिए। हाय कर दे पट्टू। ये देखो, एक उसकी बहन ये रही, उनकी बकरी ये रही। इस वाली साइड देखो बिल्कुल ठंड है, और इस वाली साइड देखो धूप है गांव की तरफ। तो इस वाली साइड को धूप नहीं आती, क्योंकि ये ऊपर ये धार दिख रही होगी आपको, तो उसके कारण यहाँ धूप नहीं आ पाती है। इस वाली साइड धार नहीं है, तो यहाँ धूप है अभी। सो अभी हम पहुंच चुके हैं अम्मू भाई के घर पे। परे भाई ने हाथ मुंह धुल लिया, और अभी हम खाएंगे मस्त से भात दाल। हिमू भाई हाथ मुंह धुल लिया, तो अभी भात दाल खाते आराम से। ये था गाइस भात और मटन लार गए। परे भाई टेस्ट जल्दी करो। हिमू भाई सफोड़ा सफोड़ हर वीडियो में सफोड़ा सफोड़ करते हैं हिमू भाई, यहाँ ऐसा क्यों? पर बंगू भाई कैसे लग रहा, बढ़िया बन रहा? परे भाई टेस्ट कैसा है? बहुत टेस्टी, खाते हैं इसको दोस्तों। और गाइस अभी हम भात और मटन खा के आगे, और हिमू भाई के घर भी इधर ही है, तो चलते अभी घर की तरफ। और मुझे तो लगा था कि भात और दाल होगा, और वहाँ पर गए थाली देखी तो वहाँ पे मटन और चावल थे, तब मुझे और मज़ा आ गया, दाल भी बना रही थी ऐसी बात नहीं। चलिए अभी घर की तरफ चल लेते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं इस वाले जगह पे, और इस वाले जगह पे लगाएंगे हम अभी, क्या बोलते हो बेचारे जी, छप्पर। छप्पर बनाएंगे क्योंकि इधर कल मेहंदी है, और मेहंदी वाला ब्लॉग हमारा बहुत जल्दी आने वाला है अब। और हिमू भाई लगे हुए हैं, और हमारे साथ दिल्ली शहर के हैं, क्या तुम्हारा नाम है, मनमोहन भाई, और ऊपर चादर, और भाई लोग अभी लेके आ रहे पाइप, और यहाँ पे लगाना हमने अच्छा वाला छप्पर, और इस चीज को हम बनाएंगे खाना बनाने के लिए, बना रहे हैं इस छप्पर को। और अभी यहाँ पे खम्भे घेरने के, उसके बाद इन वाले चादरों को ऊपर से लगाएंगे। उधर चुके आता दिया, फिर 2 बजे जम गाइस। यहाँ पे भाई ने मेरे को फिर बुलाया, डेली बुलाते हैं मेरे को, इनके फोन पता नहीं क्या खराब हो जा रही। क्या हो गया भाई? मेरा मोबाइल बिगड़ी हो। क्या कैसे बिगड़ी? पता नहीं यार, सेटिंग से पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही। कहाँ के बाबू? मैं नेपाल के। ये भाई नेपाल के हैं, डेली मेरे पास ये फोन लेके आ जाते हैं, ये स्कूल का काम चल रहा है तो वहीं है भाई, इनका फोन देखते थोड़ा। भाई का फोन मैंने सही कर लिया, सही है ना? हाँ धन्यवाद बोल रहे। धन्यवाद। ओके ओके गाइस, यहाँ पे हमने ये वाला छप्पर बना लिया, और भाई लोग उधर जला रहे हैं चूल्हे, चूल्हे भी लगा लेते हैं यहाँ पे, और कल यहाँ पे अरसे बनेंगे। तो अभी हम थोड़ा आग सेक रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास, लेके आ गया चूल्हे। किटा भाई क्या बात, क्यों किटा भाई? बहुत अच्छा काम कर लिया इन्होंने, यहाँ साफ सफाई कर ली और चादर लगा दी। अब हम चाय पियेंगे। परे भाई क्यों अच्छा लग रहा ना? चाय के साथ बिस्किट भी खाएंगे। बिस्किट खाएंगे, अभी हम आग सेक रहे हैं। ये है हमारा छप्पर, और अभी हम जा रहे हैं छप्पर बना के चाय पीने के लिए। परे भाई के हाथ में आप सवाल देख सकते हो, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम चाय चोई पी के आगे, और अभी हम जा रहे हैं रोड पे घूमने के लिए, और ये सारे सारे मेरे गाँव के हैं, सभी लोग जा रहे हैं अभी बस्तर धार घूमने के लिए। यहाँ काम पे बिजी हो गए थे कुछ देर, हमने कहा थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं बस्तर की तरफ, और हमारे गांव के सभी लोग। और धूप ढलनी स्टार्ट होगी ऊपर के लिए, सूं चली जाएगी फिर, और ठंडी जनी खतरनाक वाली हो रही है ना यहाँ, बिल्कुल खतरनाक। टोपी पहन रखी मैंने, इन्होंने किसी किसी ने पहन रखी होगी टोपी, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे। और जहाँ हम जा रहे हैं उस वाली धार पे, वहाँ और खतरनाक वाली ठंड लगती है, चलते हैं उसी धार पे। ये है हमारे गांव की धार, और ये धूप हल्की हल्की सी ऐसी यहाँ आगे लग रही, ये है धूप।
बस बाकी यहाँ पूरा का पूरा ठंडा मौसम हो गया। यहाँ पर धार पे थोड़ा सा धूप है और हमारे ही गांव की जो मंदिर है वहाँ पे भी धूप है ऊपर, और निचली गांव में भी बिल्कुल छाया होगी। जगा ली हमने आग है, सही बहल हो गया। कितनी खतरनाक वाली ठंड लग रही इस दाली धार पे, इन्होंने आग जला ली। अरे ठंड लग रही खतरनाक वाली है, सबको यार ठंड लग रही। अब थोड़ी देर बाद हम भी घर की ओर चले जाएंगे। आग बुझा चले यार। अभी चलते हैं घर की तरफ, काफी टाइम हो गया है इस वाली धार पे, और आज की व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहे, जय भारत, जय उत्तराखंड।